महुआ खबर में आपका स्वागत है। मैं संजय श्रीवास्तव। हम अभी आरा शहर के बता दें कि जेपी यहाँ प्रतिमा है उसके समक्ष खड़े हैं और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं कैमरे की नज़र से पहले आपको दिखाएंगे। जो हम दिखाने पहुँचे यहाँ पर कि जनता का मूड क्या है, आरा लोकसभा का चुनाव जो है 1 जून को होने वाला है और ये आपको पहले कैमरे की नज़र दिखाएंगे कि ये ऐतिहासिक रमना मैदान है। वो जो इलाका देख रहे हैं ऐतिहासिक रमना मैदान है और ये वीर कुंवर सिंह रमना मैदान के नाम पर जाना जाता है। और यहाँ तो हम दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे कि जो है यहाँ पर जो है जेपी प्रतिमा है, यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से जेपी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है। और इधर जो दिखाएंगे आपको, यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जनता का मूड जानेंगे कि आखिर आरा लोकसभा क्षेत्र से क्या स्थिति है, कैसा क्या मुद्दा होगा, उसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं। आपकी बार जो है लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? विकास, विकास रहेगा। तो क्या कहेंगे आपकी, जिस तरह से जो अभी बीजेपी ने लिस्ट नहीं जारी किया, बहुत तरह का सीट शेयरिंग का नहीं हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई काम जो कि बाकी रह गया? काम कोई भी बाकी नहीं है। जो अभी जो सांसद जो हैं अभी बहुत से विकास किए हैं, इसलिए वहीं यहाँ से आएंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित है। बाकी लोगों को यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। क्या लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था भोजपुर ज़िले में, तमाम जो सड़कें बननी चाहिए थी, बहुत सारी बातें हैं, क्या वो हो पाएगा? क्यों नहीं, ये अगर फिर बनते हैं तो जो बचा खुचा है ये बनवाएंगे। मैंने आरके सिंह विकास किए हैं, एकदम विकास किए हैं। देखिए आरके सिंह का जहाँ तक मामला आ रहा है वो विकास किए हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि विकास किए हैं। अभी हमारे साथ जो हैं कि यहाँ पे हैं साथ में, क्या कहेंगे चाचा जी, आज क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में? लोकसभा में तो देख लीजिए, गठबंधन आ रहा है, महागठबंधन की थी है, क्या कि हम भी मैं तगड़े में हैं, हम ही लड़ाई में हैं। तो लोग कह रहा है लोग कहने दीजिए, मैंने उनका विकास क्या हुआ है? 10 साल के दरमियान गुणी गांव को गोद लिए थे। अच्छा, हाँ गुणी गांव, हाँ गुणी गांव को गोद लिए थे। गुणी गांव का विकास क्या हुआ है? उसको आदर्श गांव बनाने के लिए क्या विकास किए हैं? उसको कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, केवल स्टेशन और रेल माने रुका गया। इससे माने जनता की भलाई हो जाएगी? एक रिक्शा वाला से पूछिए महंगाई कितना जा रहा है। नाम बता दीजिए। मदन मोहन तिवारी। तिवारी जी इस तरह के कांग्रेस उपाध्यक्ष भी हैं, और क्या कहेंगे आप अबकी बार, क्या लगता है? इस बार पवन सिंह को मौका देना चाहिए कि दो बार वो आरके सिंह सांसद हैं। इस बार नौजवानों का मांग है हम लोग का कि पावर स्टार को यहाँ लाया जाए। अब बीजेपी देखिए किसको टिकट दे रहा है, अगर जो भी हो अगर पावर स्टार यहाँ से खड़े होते हैं तो हम लोग का फुल सपोर्ट उन्हीं को रहेगा नौजवान की तरफ से। नाम क्या है? अभिमन्यु कुमार सिंह। अभिमन्यु जी का कहना है कि पवन सिंह को लाने की बात करें, आप क्या कहेंगे? अरे हम बता, नाम मेरा नीरज सिंह हुआ, हम चाहेंगे कि पवन सिंह आए। ठीक है, आपकी बार होना चाहिए, बदलाव हो गए कि चाहिए। अब मान ली रामना मैदान के तो हो गए, अब रैली करम कहाँ करम, सब पेड़ तो सब ध्वस्त हो जाए। ठीक न, बाकी सब हम क्या बोले? देखिए लोग जो हैं अपना बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और चुनाव जो है आरा लोकसभा के अंतर्गत जो है 1 जून को होना है। अब देखना होगा कि आखिरकार आरके सिंह, पवन सिंह या कोई और।